कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच चल रहे विवाद को लेकर अब नई बात सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत को एक और बड़ा झटका मिला है। आपको बता दें कि कंगना रनौत को बीएमसी की तरफ से एक नोटिस भेजा गया है। बीएमसी ने कंगना रनौत के घर के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर नोटिस भेजा है। बॉलीवुड की बोल्ड बेबाक एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब आर पार की लड़ाई बन गई है। पहले बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। अब बीएमसी की नजर कंगना के घर पर है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कंगना रनौत के घर में बीएमसी को क्या क्या अवैध लगता है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के घर में अवैध निर्माण का और बीएमसी के नियमों का उनके दफ्तर के अवैध निर्माण से भी ज्यादा उल्लंघन किया गया है। फिलहाल कंगना के घर के अवैध निर्माण का केस कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कंगना रनौत मुंबई के खार के 16वें नंबर के रोड के इमारत के 5वीं मंजिल पर रहती हैं। इस मंजिल पर कंगना के कुल 3 फ्लैट हैं, जिनमें से एक फ्लैट 780 स्क्वायर फीट, दूसरा 711 स्क्वायर फीट, तीसरा फ्लैट 460 स्क्वायर फीट का है। ये तीनों फ्लैट कंगना के नाम पर 8 मार्च 2013 में रजिस्टर्ड हुए थे। आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत को जो नोटिस भेजा गया है, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इतना अवैध निर्माण कंगना रनौत के दफ्तर में नहीं था जितना उनके घर में किया गया है। जी हां दोस्तों, बीएमसी की टेढ़ी नजर है कंगना रनौत के घर पर और हो सकता है कि जल्द ही अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना रनौत के घर पर भी बुलडोजर चला दे बीएमसी। अब देखना होगा कि बीएमसी की तरफ से कंगना रनौत को घर के लिए नोटिस भेजे जाने के बाद कंगना रनौत का किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है।